हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रोज़ाना की तरह लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आज 4 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं, 4 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। मैं अनअकैडमी पर आपका एक एजुकेटर हूं और एजुकेटर होने के साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स यूवी कंपटीशन चैनल पर पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI सेटअप एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द MSME सेक्टर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने MSME क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने के लिए पूर्व सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। नेक्स्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पोर्ट ब्लेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट फॉर एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम इंडिया विद वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर्स। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत से बाहर निकलने और प्रवेश के लिए अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 106th इंडियन साइंस कांग्रेस ISC 2019 एट जालंधर पंजाब। द ISC इज एन एनुअल कॉन्ग्रेसन दैट विटनेस डेलीब्रेशंस बाय टॉप साइंटिफिक माइंड ऑफ द कंट्री। द थीम फॉर विच इज फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस विल बी हिज 5th एड्रेस टू इंडियन साइंस कांग्रेस आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC 2019 का उद्घाटन किया है। ISC एक वार्षिक सभा है जो देश के शीर्ष वैज्ञानिकों के विचार विमर्श का मंच है। इसका विषय है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारतीय विज्ञान कांग्रेस में उनका 5वां संबोधन होगा। नेक्स्ट, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस्ड 2 वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। बोथ इनिशिएटिव विच आर पार्ट ऑफ द कृषक बंधु स्कीम विल कम इंटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए 2 कल्याणकारी पहल की घोषणा की है। दोनों पहले जो कृषि कृषक बंधु योजना का हिस्सा है 1 जनवरी 2019 से लागू हो चुकी है। नेक्स्ट, डेज बिफोर कुंभ मेला द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू रीनेम अलाहाबाद एज प्रयागराज। इन अक्टूबर 2018 द योगी आदित्यनाथ लेड गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द चेंज इन नेम ऑफ इलाहाबाद टू प्रयागराज। कुंभ मेले से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2018 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का प्रस्ताव दिया था। आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड एट बैंकिंग अम्ब्यूडसमन
ऑफिसेज हैव सीन ए 25% इंक्रीज इन द फिस्कल ईयर 2018 विद द मेजोरिटी ऑफ दीज कंप्लेंट्स कमिंग फ्रॉम अर्बन सेंटर्स ओविंग टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड पुअर इंटरनल रिड्रेसल मैकेनिज्म्स ऑफ बैंक्स। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में पंजीकृत शिकायतों की संख्या में वित्तीय वर्ष 2018 में 25% की वृद्धि देखी गई है। इनमें से अधिकांश शिकायतें शहरी केंद्रों से बढ़ती जागरूकता और बैंकों के खराब आंतरिक निवारण तंत्र की वजह से आ रही हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। सौरभ कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज TGOF एंड चेयरमैन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB। कुमार ए 1982 बैच इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर इज एन MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। सौरभ कुमार को आयुध कारखानों के महानिदेशक DGOF और आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार 1982 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MTech है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हेमंत भार्गव मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज द एक्टिंग चेयरमैन। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक हेमंत भार्गव को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विजया बैंक एंड देना बैंक विद बैंक ऑफ बड़ौदा। मंत्रिमंडल ने विजय बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरिज निधन। वेटरन क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर हु ट्रेंड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली अमोंग अदर्स पास्ड अवे फॉलोइंग ए हार्ट अटैक। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और उनके सहपाठी सहदोस्त विनोद कांबली को प्रशिक्षित करने वाले दिग्गज क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, वेटरन कन्नड़ एक्टर CH लोकनाथ पास्ड अवे आफ्टर सफरिंग कार्डियक अरेस्ट। ही वॉज 91 ईयर ओल्ड। लोकनाथ वॉज इन द कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री फॉर नियरली 6 डिकार्ड्स एंड वॉज एफेक्टिवली एड्रेस्ड एज अंकल लोकनाथ बाई हिज फैंस। वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता CH लोकनाथ का पूर्ण हृदय रोग से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। लोकनाथ लगभग 6 दशकों तक कन्नड़ फिल्म उद्योग में थे और उनके प्रशंसकों द्वारा उन्हें प्यार से अंकल लोकनाथ के रूप में संबोधित किया जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स से करंट न्यूज है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।